Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. इस बार तो नौकरी लग ही जाएगी। पेपर यूपी टीईटी को बहुत अच्छा होगा अपनो। इस बार नौकरी लग जाएगी और बस फिर तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। वो मेरी कल्लो मेरी बल्लो और मेरी कल्लो और मेरी बल्लो और मेरी कल्लो और मेरी बल्लो और मेरी कल्लो कल्लो और मेरी बल्लो बल्लो और मेरी कल्लो मेरी बल्लो। ओ चचा क्या कर रहे हो? बेटा मियाँ कली पाया लेटी हुई है और मैं उसकी पप्पी ले रही हूँ। अरे चचा सटिया गए हो का? कहाँ है यहाँ मियाँ खलीफा? बीड़ी पीपी के तो करेजो फूक ले रहे। जब बुसड़िया के तुम्हें साफ साफ दिख रहे हो कि हम करेजो बीड़ी पीपी के फूक रहे तो क्या क्या पूछ रहे? अरे यार चचा तुम तो तन तन सी बातन पर गुस्सा हूँ लगत। मैं ये कह रिया था तुम्हें वो तो याद होगी कक्षा 6 की चमेली जिसके साथ तुम क्लास में गुटर क्यों कहते थे। हाँ वो पड़ोस वाली। हाँ कल मैग्नोलिया। हाँ चचा वही वही। अरे भैया उसकी मत पूछो। बहुत मस्त थी वो, मुझे रोज देती थी पप्पी। वो बहुत अच्छे से याद है मुझे वो। तो भुसड़िया की कक्षा 6 की चमेली याद है तुझे? और 6 महीने पहले तूने मेरे पैसे लिए थे 10,000 रुपए, वो याद ना है तुझे? कब लौटा रहा है मेरे पैसे साले? अरे यार लौटा दूंगा यार तुम्हारे पैसे 10,000 रुपए, याद है हमें। हाँ तो लौट आएगा कब? तो कह तो रिया हूँ भैया कि लौट आ देंगे तुम्हारे 10,000 रुपया। ना ना ये बताओ लौट आओगे कब? भैया मेरा बेटा गया है यूपी टीईटी का पेपर देने, जैसे ही एग्जाम निकालेगा तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे ही मार दूंगा। अरे तो जब नौकरी लगे तब तो। नौकरी? नौकरी को तो बाप लगे। जो हमने तुमसे 10,000 रुपया लाए थे पता है किस लिए लिए थे? किस लिए? अरे इसलिए कि हमारा मोड़ा पड़ता था झांसी और ग्रुप डी की निकली भर्ती, तो हमारा लड़का बोला हमें तैयारी करने जाना है इलाहाबाद। सो हमारे मोड़ा ने की तैयारी दिनों रात और पेपर जा तो अच्छो खासो, लेकिन सरकार ने पेपर ही नहीं करवाओ। लेकिन बेटा गया हमारा यूपी टीईटी का पेपर देने, जैसे ही मास्टर बनेगा आपके पैसे तुरंत ही लौटा दूंगा। ठीक है तो चचा। ठीक है। राम 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 राम। राधे श्याम। बस एक बार नौकरी लग जाए सबसे पहले ब्याह कर है ब्याह। 26 साल उम्र भी तो हो गई यार, और इलाहाबाद में तैयारी करत करत मुड़ी के बाद झड़ गए बेअलग भैंसो, परेशान हो गए। अरे बेटा आ गए, कैसे हुआ यूपी टीईटी को पेपर? पापा पेपर बहुत अच्छो गई बार, नौकरी तो समझ लो लगाई गई। क्या कह रहा है बेटा? सही कह रहा है पापा। तो बेटा गांव में जाके 2-4 अन का लठिया देगा? बस पापा तुम जो चक्के बात ना करे कर यार, अब कौन केसेस कर दे पुलिस आए टांग ले दे तुम्हें थाने में जाके लठ बजा दे बेअलग। ओ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है ये सब छोड़ो, ये बताओ पहले मास्टर कब बन रहे हो आप? पापा बस 1-2 महीना में भर्ती प्रक्रिया पूरी कम्प्लीट कर दे रही सरकार। तो सरकार इस बार बहुत तेजी से कर रही है कंप्लीट। चल ठीक है चल जा, हम जा रहे खेत पे। टट्टी टट्टी लगी है साली, मैं हरगेगा नहीं साला। मुसड़िया के कारी जी दो दो आंखें लगे फक गई का देख के नहीं चल सका। अरे चचा तुम्हें क्या बताएं, जी आंखें इलाहाबाद में तैयारी कैद कैद फक गई तो जो कछु बची थी ये सरकार ने फूंक दई। कै सरकार ने फूंक दई? कै का होगो? जो देखो चचा अब यूपी टीईटी को पेपर देके आए थे वो न्यूज में निकली कि पेपर लीक हो गए, सो पेपर रद्द कर दे सरकार ने। तेरी
मर गई माछी, दिखी 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 ये तोड़। अभी अभी ताजा खबर निकल के आ रही है, यूपी टीईटी पेपर में हुई धांधली, पेपर हुआ लीक, सरकार ने पेपर तैयार से लेकर ऊपर तक पेपर किया कैंसिल, और जो झांसी इलाहाबाद तैयारी करके लड़कों ने पेपर दिया था उन सब की मरी माछी। तो ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे 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 रुको रुको, मैं अपने दर्शकों को एक न्यूज और बताना चाहता हूँ। अभी अभी ताजा खबर निकल के आ रही है ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी का नाम सुन के लड़कों ने समझा था फ्लावर, लेकिन ग्रुप डी फ्लावर नहीं, फायर है फायर। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में होगा ग्रुप डी का पेपर। लड़कों की मर गई माछी, यह खबर सुन के कई लड़कों ने की आत्महत्या और कई पहुंचे सदमे में। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। ओ बेंचो हमा मोड़ा ना सदमा में पहुंचे, पकड़ पकड़ पकड़। हाँ पापा, क्या चिल्ला रहे बेटा? बात सुनाने से पहले पहले अपना दिल मजबूत कर ले बेटा, हमें पता चलो कि तुम दिल पक गए बेटा। अरे पापा पहले तुम बताओ तो कब हो बेटा? यूपीटीटी को पेपर कैंसिल कर दो सरकार ने बेटा। बस बस इतनी सी बात, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ही ना है, सरकार और भर्तियां निकालेगी, पुलिस की रेलवे की, उसमें हो जाएगा सिलेक्शन। बेटा रेलवे में सिलेक्शन हो रहा हूँ, 2 साल पहले तेने रेलवे को ग्रुप डी को डालू तो, और अबे तक पेपर नहीं भाऊ को, और जैसे तैसे एनटीपीसी को पेपर भाऊ, तो सरकार ने कट ऑफ रख दी 90, तो लड़कन की बन गए बाहर। पापा यार तुम एक काम करो यार, अब तुम ना हमारा ब्याह करवा दो, जब नौकरी के चक्कर में छोकरी को नहीं मिल पा रही। और क्या इनको ब्याह करवा दो, गुखा में तो पैसा नहीं है, और अबे 10,000 चिनुना के देने सुबह। और तो काम ने बेटा पहले ही समझाई थी कि खेती किसानी करो, आज खेती किसानी कर रहे होते तो कुछ कर रहे रहे होते, अब तुम बनने आज टीम की अम्मा। अरे यार तो पापा पेपर लीक होगा तो हम क्या करें? तो भुसड़िया की ये कैसी सरकार है, इतना तो कक्षा 6 में चमेली का नंबर लीक नहीं हुआ जितना ये पेपर लीक हो रहा है सरकार। चलो छोड़ो पापा, अब जो भाव से ठीक है। छोड़ो कैसे, अब जिंदगी में तुम करो का बार बनाओ का बार बार मारना बना देखो पापा। तो भुसड़िया के खेत पे जाओ, खेत लगाओ। हेलो जो बताओ, ब्याह कब कर रहे तुम हमसे? अरे यार जान हमारा तुम्हारा ब्याह हो गई बार वहा, तो बिल्कुल हमारी नौकरी लगवे बारी जाती, और नौकरी लगते नहीं हम तुमसे बिल्कुल ब्याह करवे बाते, लेकिन जब सरकार ने यूपीटीईटी को पेपर कैंसिल करके हमें वो तुम्हें लैला मजनू की तरह अलग कर दो जानू, हम तुम्हें क्या बताएं? हम कछु नहीं जाना, तुम तो हमसे ब्याह करो बस। अरे यार तो जानू बिना नौकरी के हमारा बाप हमारी माई जी से ब्याह ना करे यार, तुम काहे नहीं समझ रही मेरी गुलब्बो? तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी और बर्बाद हो जाए, तुम बनाओ बार, हम तो कर रहे दूसरे मोड़ा से ब्याह, और अब हमें फोन न लगा दे ठीक है? अरे नहीं नहीं जानू यार, तुम ऐसा नहीं कर सकती यार, तुम हमारी जिंदगी के संग ना खिलवाड़ करो, जब सरकार तो कर ही रही, हम तुम्हारे बिना मर जाए यार, मर जाए। हेलो 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 तुम्हारे चक्कर में हमें जिंदगी और बर्बाद हो जाए, तुम बनाओ जिंदगी और बर्बाद हो जाए, तुम बनाओ बनाओ। अरे भोसड़िया जो का कर रहे हो बेटा, बेटा 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 तुम्हें क्या हो गया, ऐसा करने से पहले हमसे क्यों हमें मार दिया बेटा? बेटा तुमने हमें बताया नहीं, मैं जान लो तुम अपने मन के कैसे हो गए बेटा, तुम भोसड़ी के ऊपर से तो ड्रामा की एकदम कड़ी जा रही बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा?
माँ बाप हमें जीने देंगे, हमारी जिंदगी झंड हो गई, हमारी जिंदगी में कठिनी बचो पापा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कौन दिक्कत है तो हमें बताओ। पापा तुमने हमें कैजा ले लेके पढ़ाओ, कैगी लाने पढ़ाओ कि हम बार बनाए बार। नहीं पापा नहीं, ईगी लाने पढ़ाओ कि हमारा लड़का नौकरी करे, चार पैसा कमाए। लेकिन हम आपको जो मकसद पूरा नहीं कर पाए पापा, अब हमें मर जान दो। बेटा नौकरी नहीं लगी, नहीं लगी रन दो, जो अपन कुन मुंह का न मर रहे, जो 10 एकड़ जमीन है इसमें करो खेती किसानी, सब कुछ चुक जो कह जा। ओ बुचिनुना के 10,000 रुपये देने ब्याजी तो ब्याजा नहीं है बेटा। ओ बेट मार ब्याज में कुछ डॉल कर रहा, तुम ब्याजी काम काम तेरे ही करने हैं बेटा। पापा अपने पास तो जंगा जमीन है, सो अपन को जानो कल ले। जी के पास का चुनन्या उनने अपने लायकन का झांसी इलाहाबाद पढ़ाओ, गाया ले ले के उनके तो बाहर बन गए। बेरोजगारी बढ़ जा रही, सरकार ऐसे करोड़ों कदम नहीं उठा रही। चलो बेटा हे गाइस, यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, हर जगह शेयर कर दो, बिल्कुल वीडियो छा जाए। सरकार यार बहुत गलत कर रही स्टूडेंट के साथ, समझा करो यार आप लोग, थोड़ा शेयर करो वीडियो हर जगह और चैनल पर बने रहो, रेगुलर वीडियो आएंगी अब दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करूँ।